एवरीवन, आज हम लोग जीएफजी के एक नए प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है चेक इफ सब ट्री। इसमें क्या है कि हमें दो ट्री दिया हुआ है, ठीक, और इस वाले ट्री का नाम है मान लीजिए टी, इस वाले ट्री का नाम है एस, ठीक। तो हमें बताना है जो एस वाला ट्री है वो इसके अंदर लाई करता है क्या। अगर लाई करता है तो हमें रिटर्न कराना ट्रू, नहीं तो हमें रिटर्न कराना फॉल्स। अगर इस यहाँ पर देखें तो 3636 यहाँ पर सेम लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे क्या ट्रू, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, आप बोलेंगे कि 36 तो यहाँ पे भी लाई कर रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न कराना चाहिए ट्रू, नहीं रिटर्न यहाँ पे कराना है फॉल्स। क्यों? क्योंकि बताता हूं, अगर आप ध्यान से देखें 3 के लेफ्ट में 6 है और 3 के राइट में क्या है नल है, और यहाँ पे भी क्या है 3 के राइट में नल है, तब ये जाके पूरा मैच कर गया तो हमें रिटर्न कराना है ट्रू। अब यहाँ पे क्या था, 3 के राइट में नल तो था लेकिन 3 के राइट में यहाँ पे 7 था, इसलिए यहाँ पे रिटर्न कराना फॉल्स। ये हम बोलेंगे कि ये इसका सब ट्री नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मेरा जो राइट वाला पार्ट है, जो छोटा वाला पार्ट जिसको मेरे को चेक करना है, एस वाला पार्ट, अगर वो नल है तो सिंपली रिटर्न कर दो ट्रू। अगर कोई एक ये नल नहीं है और ये नल है तो रिटर्न करा देना है फॉल्स। तो ये हमने जो पहली कंडीशन लिखी, इफ एस इक्वल टू नल तो हमें रिटर्न करा देना है ट्रू। फिर इसके बाद अगर अब नीचे का ये वाला कंडीशन कब चलेगा, जब हमारे पास एस नल नहीं होगा और ये वाला पार्ट टी नल होगा, तो ऐसे केस में मैं रिटर्न करा देना है ट्रू फॉल्स। मतलब कि राइट साइड में कुछ भी नहीं है, ये वाले बड़े वाले ट्री में कुछ भी नहीं है, छोटे वाले ट्री में है कुछ चेक करने को, तो रिटर्न कराना है फॉल्स, क्योंकि वो तो सलाई नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, अब ये क्या है नल वाला काम खत्म। अब यहाँ पे हमने चेक किया इज सेम टी और एस, हमने क्या है दोनों ट्री को पास कर दिया, और मैं चेक करूं इज सेम नाम का फंक्शन मेरा क्या चेक करेगा, उस करंट नोड से चेक करेगा क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या। जैसे अगर मैं बोलता हूं अभी करंट नोड क्या है मेरा टी है, ठीक है, करंट नोड टी, अगर मैं पास करता हूं इस वाले को और इस वाले को, तो क्या चेक करेगा, पहले चेक करेगा इफ 1 और 3 इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो 2 और 6 को चेक करेगा, अगर ये भी इक्वल है तो 3 और इसको चेक करेगा। तो मान लीजिए इज सेम नाम का जो फंक्शन है वो मेरा चेक करेगा ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या। तो यही हमने कॉल किया इज सेम नाम को, और थोड़ा सा देखेंगे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने दोनों नोड को पास किया और मैं चेक किया कि क्या दोनों मैच कर रहे हैं क्या, मतलब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं क्या, जिस कर तो हमें रिटर्न कर देना है ट्रू। अगर मान लीजिए नहीं मैच किया, जैसे इसी केस को समझते हैं, हम सबसे पहले पास कर देंगे इज सेम ये वाला इसका रूट और इसका रूट, तो ये सबसे पहले क्या चेक करेगा, देखेगा 1 और 3 इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है ना, तो ये नहीं चलेगा। अब ये आ जाएगा ट्री, यहाँ पे सब ट्री, ये क्या हुआ सब प्रॉब्लम बन जाएगा। अब यह क्या है कि मैं ये वाला नोड पूरा पास करूंगा और ये वाला पास करूंगा, ठीक, और ये चेक करूंगा कि ये दोनों इक्वल है क्या, ठीक। अगर मान लीजिए इक्वल नहीं होता है तो फिर मैं क्या क्या पास करूंगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक। तो वही मैंने पास किया इज सब ट्री, इसके राइट में और इसके लेफ्ट में, ठीक। यानी कि अगर पहले ऊपर से ऊपर इसको चेक किया, ये दोनों नहीं मैच कर रहे थे, तो इसके अब लेफ्ट वाले से मैच कराऊंगा इसको, फिर अगर ये तब भी नहीं मैच करता तो इसका राइट वाला और इसको मैच कराऊंगा, ठीक। अब आ जाते हैं इज सेम नाम के फंक्शन को, ये कैसे काम करता है, ठीक। मान लीजिए दोनों के दोनों पार्ट कोई भी रूट है और ये 2 के 2 नल है, तो हमें सिंपली रिटर्न करा देना है ट्रू। अगर एक नल है एक नहीं नल है तो हमें रिटर्न करा देना फॉल्स। ये वाला कंडीशन, जैसे मान लीजिए 3 के इधर हमारे पास नल था और इसमें क्या है 3 के इस साइड नल नहीं है, तो हमें रिटर्न करा देना फॉल्स, क्योंकि इक्वल नहीं है, ठीक। अब यहां पे मैं चेक करूंगा, मान लीजिए कि इन दोनों का डेटा यानी टी का और इसका, इन दोनों की वैल्यू सेम है क्या, सेम हो और उसका इसका लेफ्ट और इसका भी लेफ्ट बराबर होना चाहिए, सिमिलरली इसका राइट और इसका राइट भी बराबर होना चाहिए। यानी कि क्या होगा, आप यहां से देखिए जब इस वाले नोड पर आएगा, ठीक है, थोड़ा और क्लियर कर दो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही था हमारे पास और यहां पे मेरे पास था 3 और 6, ठीक। तो सबसे पहले जब मैं ये पास करूंगा, इनको चेक करने की कोशिश करूंगा, इस पूरे को इस पूरे से, तो क्या पहले यही पे फेल हो जाएगा, टी डॉट डेटा इज इक्वल टू एस डॉट डेटा, नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके लेफ्ट वाले को पास करूंगा, यानी कि ये वाला पार्ट चल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका लेफ्ट वाला पार्ट क्या है 2 4 5 को मैं चेक करूंगा इस वाले से, ठीक, ये भी नहीं मैच होगा, फिर मैं क्या करूंगा इसके राइट वाले पार्ट को, ठीक है, यानी कि
इस वाले पार्ट को चेक करूंगा, इससे जब इससे आएगा चेक होने के लिए, तो यहाँ पे देखूंगा कि इसका डेटा और ये डेटा बराबर है क्या। हाँ बराबर है, तो अब क्या करो, अब इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट को मैच करो, ठीक। अगर ये भी मैच हो जाता है तो इसके राइट में मैच करो। हाँ देखो जब ये आएगा तो इसके राइट में क्या है, नल, इसके भी राइट में क्या है, नल, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक, जब ये तीनों कंडीशन मैच हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, इसका जो कोड है कमेंट बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू।